अप पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं इट्स वेलकम टू द चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खैरियत से होंगे इन्जॉय कर रहे होंगे और हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो स्मृति ईरानी का विजिट था मदीना में मस्जिद नबी और उसकी लोकेलिटी का तो उसको ले के पाकिस्तान अफगानिस्तान और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ा शोर डाला हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हो गया नॉन मुस्लिम को कैसे एंट्री दे दी तो उस पर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं अपने अपने स्टैंड्स हैं लेकिन जैद हामिद या जिसको आप ए के -ए, ए लाल टोपी के नाम से जानते हैं उसने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं ना इतनी सख्त और इतने सख्त अल्फाज के साथ कि उस पर डायरेक्ट जो सऊदी गवर्नमेंट है उनका रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि इसको हमारे पास वापस भेजो पहले भी ये पचास घोड़े का के निकल गया था और दो साल कैद अब तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो हाउ डेयर ही डिसरिस्पेक्ट आवर गेस्ट उन्होंने ये बात की है सीधा सीधा तो बहरहाल वीडियो देखते हैं जी जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि सऊदी पुलिस विल अरेस्ट लाल टोपी समृति ईरानी पे कमेंट करना पड़ा भारी तो शुरू करते हैं थ्री टू वन एन नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब से हमारी माइनॉरिटीज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने सऊदी अरब में मदीना का विजिट किया है उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी सऊदी अरब को गालियां दे रहे हैं तो इसी दौरान पाकिस्तान के ही एक जिहादी जो खुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं जैद आमिद ने हिंदुओं के खिलाफ और सऊदी अरब के खिलाफ बहुत ही खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि में मदिना सऊदी अरब का बाप का नहीं है जिसके बाद से दोस्तों उनका यह स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसके बाद सऊदी अरब ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है पाकिस्तान को लेकर के और अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सऊदी अरब क्या करता है पाकिस्तान के खिलाफ कहीं पिछली बार की तरह सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देने से मना ना कर दें और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ सऊदी अरब के लोग पाकिस्तान नहीं नहीं को क्या तो करके अपने यहां से भगा रहे हैं तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं जैद जमान हामिद साहब आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस है कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं कभी फिर लगता है ये तीसरी आलमी जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की तो उसको मैं करती क्योंकि कर, भी, किसी भी इंसान मजहब कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है लेकिन उन्होंने सवाल है। किया है तो होंदे कौन हो यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि जैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं इस उसमें आप वो हैं और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है मजिद नबी का बाप तो नहीं है वो तो पाएं ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं सऊदी अरेबिया तो ताडा भी बाप है लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं मुशरकों सिखों और गलीस तो बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया इन्ना लिल्लाहि व मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है ये तो पूरी उम्मत की इमानत है रसूल्ला का, का मकाम है इतना गंद बक है यार क्या ही सुने इसको फिर उस गंद में अपनी गंदी जबान के साथ जो है ना प्रॉफिट का नेम भी ले रहा है साहबा का भी ले रहा है और मैं क्या बोलूं इसको इतना बड़ा हो गया इसको अक़ल नहीं है ये इसके वालदेन की तरबियत है कि नॉन मुस्लिम्स को ये कितनी कितने ही जो है ना आप समझ लें कि उससे देखता है कि गलिस तक का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं गलीस मतलब आप समझ जाएं फिर कि अपनी लोकेलिटी में अगर इसको कोई नॉन मुस्लिम मिल जाता होगा ये किस तरह से पेश आता होगा देखिए हमें तो यही सिखाया गया है कि तमाम लोगों से ना इज्जत से पेश है जो आपको इज्जत देते हैं ये हमारी तरबियत का पार्ट है ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जो शख्स आपको इज्जत से बात कर रहे हैं इज्जत दे रहे हैं ना आप उससे बढ़ के उससे इज्जत दो जो आपको इज्जत नहीं दे रहा उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है साइड पर हो जाओ अब सऊदी गवर्नमेंट ने अगर स्मृति ईरानी को विजिट करवाया है तो ये मैटर है सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का अगर सऊदीज़ ने कोई प्रोटोकॉल था मस्जिद नबी का नॉन मुस्लिम्स को लेके अगर उन्होंने ब्रीच भी किया है तो भाई Uh, वो इस वक्त पार्ट ऑफ देयर कंट्री है और uh, इस वक्त उनके अस, असर में है इन्फ्लुएंस में है इस वक्त उनकी मिल्कियत है आप कह रहे थे ना किसी का बाप नहीं है उनकी मिल्कियत है इस वक्त ये अगर आपको इतना ही है तो आप ओ आई सी पर कंप्लेंट करते आप अरब लीग में कंप्लेन करते सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास क्यों कर हैं और अभी देखना मैं मैं पहले भी मैंने बताया ना वीडियो के स्टार्ट में कि इसको पहले भी डंडे पड़ चुके हैं ये पहले भी सऊदी गवर्नमेंट को लेके और उनके उनकी, उनकी बादशाह को लेके क्रिटिसाइज़ करता रहे रिजल्ट में क्या हुआ कि उन्होंने ठीक ठाक इसको डंडा किया था और फेंटा वेंटा लगाया था लेकिन अब फिर यही हरकतें कर रहे तो फिर फिर होगा मेरे ख्याल में इस पर तो बैन भी लगा हुआ है ये सऊदी अरब जा ही नहीं सकता तो ना नमाज का है ना रोज़े का है ना आज का ना उमरे का गलत बात है ये स्टेटमेंट देना ही गलत था देर आर मैनी अदर वर्ड्स जिनको ये चूज़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे बट अब्यूजिव लैंग्वेज और किसी वुमेन के लिए कहाँ की मर्दानगी है यार तुम्हारी कहाँ की है बहर मिलते हैं जी आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा फीडबैक दीजिएगा मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा See you guys.